आ जाइए दोस्तों, देखते हैं। अब ये गाना बड़ा वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो हमारे यादव कथावाचक हैं उत्तर प्रदेश में, पता नहीं क्या क्या गाने में लगे हैं। यादव जाति से जो बैर करे वो कुत्ता और कमीना है, हमने कई गायकों के मुंह से सुना है तो हमसे रुका नहीं गया। पेश है इस गाना के माध्यम से माधव कैसेट में, मैं सीटू माधव। एक गाना चल रहा है, सुना होगा आपने, यादव से जहाँ देखो जिसको भी देखो, हर गायक व्यास मंच के माध्यम से इस गाना को गाने में लगा है। पता नहीं अन्य जातियों को जाने क्या क्या बोल देते हैं लोग, तो उनके लिए मैंने गाना लिखा है, तो गौर करेंगे। अरे यादव खुदा बनी गो कुल घाती है इसलिए सपा नहीं आती। अच्छा मैंने बड़ा प्रचार किया है समाजवादी पार्टी के लिए, और मैं भी एक यादवी हूँ, लेकिन बुरा तो तब लगता है, हम समाज जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए समाज में जो समाज को तोड़ने का काम करने में दिनों दिन लगे हुए। मैंने यहाँ तक सुना है व्यास मंच के माध्यम से कहते हैं कि समाजवादी वाले बैठे रहे और बीजेपी वाले यहाँ से चले जाए, बाहर बाहर क्या होगा व्यास गद्दी का गायको। यादव खुदा बनी गो कुल घाती है इसलिए सपा नहीं आती। और मैंने लिखा है जो गाना में सुना है, कोई यादव को कहे नगीना और जाती हुई गई कमीना। सुना होगा यादव जाति अभी नगीना है, और जो यादव से बैर करे वो, अब हमें तो कहने में भी शर्म आ रही है, कुत्ता और कमीना है। क्या अन्य जाति नहीं है? क्या अन्य जातियों में लोग नहीं है? वो भी जवाब देना जानते हैं तुम्हें। ऐसे शब्द तो किसी के लिए बोलो कि अन्य जात वाले लोग हमसे राम राम करना कहीं बंद ना कर दें, और वही होगा आने वाले समाज में अगर आप ऐसे करते रहोगे। कोई यादव को कहा तुन गिना और जाती हुई गई कमीना। और देखा होगा आप लोगों ने भी व्यास मंच पे गाना गाई ठोक छाती है इसलिए सपा नहीं आती। यादव खुद बनी गो कुल घाती है इसलिए सपा नहीं आती। मैंने प्रचार काफी किया है सपा का, लेकिन जात पात के बारे में कभी नहीं बोला हूँ। आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल माधव कैसर से सुनील अकेला जी बरकरार चल रहे हैं, जिनकी गजलें धूम मचा रही हैं। अगर जाति पाति का कोई मामला होता तो शायद है उनका नाम माधव कैसर में नहीं हो पाता। अरे कलयुग में बदनाम समरिया जिनकी बाजी मधुर बसुरिया। और कहते हैं कि श्री कृष्ण के हम नाती हैं, नाती। अरे पहले उन जैसे कर्म तो करो। कलयुग में बदनाम समरिया जिनकी बाजी मधुर बसुरिया। और ये गायक लोग जो है ना, मोहन के बने रहे नाती है इसलिए सपा नहीं आ।
देखता हूँ तो अन्य समाज के अन्य जाति के लोग कितना बुरा भला तुमसे कह रहे हो। क्या तुम्हें बुद्धि नहीं है? अरे सुधर जाओ मेरे वीर या हीरो, बुद्धि में तुम बन गए हीरो। अगर तुम कन्हैया के वंशज बनना चाहते हो, उनके नाती बनना चाहते हो, गीता को उठा करके पढ़ो, कितने उपदेश दिए हैं भगवान कन्हैया ने गीता में। क्या गीता पढ़ी न जाती है इसलिए सफा नहीं आती। तुमसे गीता पढ़ी न जाती है इसलिए सफा नहीं आती। गायकों के महोदय मैंने ये बार बार अब शब्द सुने, और अगर कोई तुम्हारे पीछे पड़ गया ना तो शायद है कि जातिवादी का अपमान करने में तुम्हें मानहानि का दावा भी लग सकता है, इसलिए सुधर जावा हीरो। यादव यादव मत चिल्ला, पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कितना यादव है हमें बताएं। क्या यादवों से तुम समाजवादी सरकार पुनः बना लोगे? समाज को दूषित करने वालों, समाज को तोड़ने वालों, जब भी कोई चीज गाया करो तो एक बार मन में सोच लिया करो, आज इसका आने वाले समय में इससे फर्क क्या पड़ेगा समाज पर। यादव खुदा बनी गो खुला घाती है इसलिए सपा नहीं आती। डीजे रमेश भजन लोग गीत रसिया गजल सुनने के लिए सबको सब्सक्राइब करें।